आदाब, नमस्कार। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर स्वागत है, इस्तकबाल है। आजकल मैं आपको सुना रहा हूं मोहतरमा कुरतुल ऐन हैदर का नॉवेल सीता हरण। सुनिए इसकी दूसरी किस्त। गैलरी की दूसरी तरफ हिमा के ड्रेसिंग रूम में कोई चीज गिरने की आवाज आई। हिमा अब तौलिया सर पर लपेट कर गुसलखाने के दरवाजे से बाग में उतर चुकी थी। उसके कमरे का जो दरवाजा जमुना की तरफ खुलता था उस पर जर्द गुलाब की बेलें झुकाई थीं। वो फोन बंद करके उठी और दरवाजे में जाकर सकते के आलम में बाहर देखती रही। फिर पर्दा हटाकर हेमा के कमरे में गई। कमरा खाली था। वार्डरोब पर बहुत से पिक्चर पोस्टकार्ड और हेमा के मराठा शौहर की तस्वीर सजी थी, जो किसी आला ट्रेनिंग के लिए लंदन गया हुआ था। बच्चे की बेद की कुछ टोकरी मसहरी के बराबर रखी थी। सोफे पर नीले रंग की कटक की साड़ी पड़ी थी, जो हेमा उसी सुबह क्वींसवे से खरीद कर लाई थी। कोने की मेज पर चुखताई की इंडियन पेंटिंग्स के जिल्द पर दूध की बोतल धरी थी। सुर्ख रोगनी फर्श पर खजा के मध्यम सूरज की मध्यम किरणें बिखरी हुई थीं। गार्डन हाउस के सारे दरवाजे बाग में खुलते थे, जहां जर्द पत्ते उड़ उड़ कर किवाड़ों और खिड़कियों के शीशों से टकरा रहे थे। बड़ा सन्नाटा था। चंद लम्हों के बाद बराबर के कमरे में खटर पटर हुई। हेमा का छोटा भाई शहजाद कूद कर पलंग पर से उतरा और फिर गुसल खाने के शावर में से पानी गिरने की आवाज आई। जो बेडरूम पीली कोठी के रुख पर था, उसके दरवाजे पर हिमा की अम्मा मोंढा बिछाए बैठी गीता पढ़ रही थी। किस कदर दकियानूसी मजहबी औरत थी। इतने तालीम याफ्ता रोशन ख्याल बच्चों की ऐसी ओल्ड फैशन माँ। उसकी अपनी माँ भी उतनी ही मजहबी थी। उसकी सास भी, बिल्किस की माँ भी, शालों और दुपट्टों में लिपटी लिपटाई गुड़िया ऐसी छोटी छोटी कमजोर औरतें जो हर समय अपने बच्चों के लिए दुआएं मांगती थीं, अच्छे और बुरे शगुन देखती थीं, व्रत और रोजे रखती थीं। माएँ मसाई का खेज होती हैं। वो खुद माँ थी। हिमा भी अब माँ बन चुकी थी, जो अपना सारा जर्मन फलसफा भूलकर कल से अपने बच्चे की मामूली सी बीमारी की वजह से दीवानी हुई जा रही थी और डॉक्टरों को फोन पर फोन कर रही थी। वो गैलरी की सीढ़ियां उतरकर बाहर आ गई। लॉन के उस पार पीली कोठी के चबूतरे पर बांध की खरी खाट बिछाए उमा जी अपने लड़के को हिंदी पढ़ा रही थी। रविश के दोनों तरफ बड़े बड़े गुलाब रोशन थे। वो रविश पर से गुजरकर चबूतरे पर आई। उमा जी ने उसकी आहट पर सर उठाकर उसे देखा, खामोशी से मुस्कुराई और फिर किताब पर झुक गई। हाँ पढ़ो। बुंदेले हर बोलों से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। लेकिन बच्चे ने पढ़ने के बजाय अपनी माँ से झगड़ना शुरू किया। मम्मी मैं तो नहीं पढ़ता। अच्छा एक रुपया लाओ तो आगे पढ़ूंगा। चलो शरारत मत करो, पढ़ो आगे, अम्मा जी ने डांटा। ये मर्दानी क्या होता है? बहादुर, उमा जी ने खिलखिलाकर हंसते हुए जवाब दिया। बच्चे ने हिल हिल कर पढ़ना शुरू किया।
सीता चंद लम्हों तक ठिटक कर यह पुरसुकून मंजर देखा की, फिर हिमा के पुराने कमरे में दाखिल हुई जिसमें वो अपने ब्याह से पहले रहा करती थी। अलमारियों में उसकी किताबें बेकसी के आलम में पड़ी थी। दीवारों पर मानी पूरी टोपियां और जगन्नाथ जी के 24 बुत आवेजा थे। बराबर के कमरे की एक अलमारी भी देवी देवताओं से भरी हुई थी। दरमियानी तख्ते पर देवी की नन्ही सी मसहरी थी। मंगल के मंगल देवी को नई पोशाक पहनाई जाती थी। इस घर में देवी देवताओं की इस कदर भरमार थी कि सीता का जी बौला जाता था। हिमा उन मूर्तियों को फर्नीचर का एक हिस्सा समझकर उनकी तरफ से बिल्कुल बेनियाज थी। वो मजहबी या गैर मजहबी कुछ भी नहीं थी, एक नॉर्मल किस्म की लड़की थी। ये तो सीता ही के दिमाग में फितूर था कि वो मजहब, सियासत, जिंदगी, मौत, दुनिया भर की हर चीज के मुतालिक सोच सोच कर दीवानी हुई जाती थी। मगर अब हिमा भी अपने नौजायदा बच्चे को लेकर हर मंगल को अपनी माँ और फुफियों के साथ कालिका जी के मंदिर जाती थी। सीता ड्राइंग रूम से निकलकर सामने के बरामदे में आ गई, जिधर से प्राइवेट रोड बल खाती हुई अलीपुर रोड की संत मूर्ति है। सामने से हिमा की एक और कजिन प्रमीला अपने दफ्तर से वापस आ रही थी। उसने हाथ हिलाकर सीता को हेलो किया और आगे जाकर गायब हो गई। सीता फिर अंदर लौटी और सारे कमरों में घूमती फिरी। उसे ये कोठी हमेशा से पसंद थी। इस घर में आकर उसके मकीनों से मिलकर उसे हमेशा एक अजीब सी राहत और हिफाजत का एहसास होता था। उन लोगों की जिंदगी कितनी पुरअमन थी। उनके यहाँ कोई दिमागी या नफ्सियाती या जज्बाती उलझने नहीं थी। 60-70 बरस से यह खानदान 5-6 बड़ी बड़ी कोठियों में इसी तरह रहता आया था। उनके पुरखे औरंगजेब के ज़माने से मुग़ल दरबार में वाकई नवीस और मुंशी थे और मुग़ल बादशाहों ने उनको राय राजा का खिताब दिया था। हिमा के दादा साहब दीवान थे, परदादा ने लुगत तसनीफ की थी, नगर दादा ने फारसी शौरा का तस्करा लिखा था। हिमा की अम्मा बास दफ़ा ऐसे ऐसे मुहावरे इस्तेमाल कर जाती जो सीता की समझ में ना आते, जिस पर वो कहती अरे लखनऊ में तेरी ससुराल है, अब तो जबान सीख ले। फिर खुद ही नाक भौं चढ़ाकर कहती और लखनऊ वाले निगोड़े भी उर्दू क्या जाने, पुरबैये नहीं तो। इस कदर शाइस्ता, मुहज्जब, नस्तलीक, वजादार और गैर सियासी कस्म के लोग थे कि सीता को हैरत होती थी। इतना बड़ा हंगामा आकर गुजर गया, दुनिया तहोबाला हो गई, मगर ये लोग उसी सुकून से उन कोठियों में बैठे रहे और ख़ुद बेखानमा होकर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ रिफ्यूजी कैंपों में होती हुई 1948 में दिल्ली आई थी। यहाँ उसकी मुलाकात हिमा से बिल्किस की बड़ी बहन फरखंदा बाजी के घर पर हुई थी, जो लोकसभा की मेंबर थी। उनके वहाँ सुबह से शाम तक शरणार्थियों और हरासा मुसलमानों का तांता बंधा रहता और वो इंतहाई दर्दमंदी और सब्र के साथ उन सब के लिए दौड़ धूप करती रहती। हिमा जो उसी साल IAS में कामयाब हुई थी, वजारत आबादकारी में काम कर रही थी। उस रोज़ फरखंदाबाजी के ड्राइंग रूम के एक कोने में बैठी हुई एक खौफसदा सी लड़की को बिल्किस ने अपने करीब बुलाकर हिमा से कहा था, जो उसी वक्त अपनी लंबी उन्नाबी रंग की नीश ड्राइव करती हुई आकर उतरी थी। हिमा,
उमा जी कल सिंधी कड़त की साड़ी बनवाने को कह रही थी। सीता की वालिदा बड़ी खूबसूरत साड़ियाँ काटती हैं। ओह हाउ वंडरफुल, हिमा ने कहा था। एक कॉटन साड़ी का पल्लू और बेल आप कितने में बनवा देंगी? 10 रुपये, सीता ने कड़वा घूंट पीते हुए जवाब दिया था। उस वक्त ये महसूस करके कि वो मुफलिस और काबिले रहम शरणार्थी है, उसका सारा बदन कांपने लगा था। फिर एक रोज़ वो बिल्कीस के साथ ही हिमा के घर गई थी। उसके कमरे के दूसरे अफराद की कोठियाँ पास पास थीं और अपने रंगों की मुनासबत से मशहूर थीं हिमा अपने वालदेन और भाई बहनों के साथ नीली कोठी में रहती थी, उसके ताया पीली कोठी में, मंझले चाचा लाल कोठी में और छोटे चाचा हरी कोठी में रहते थे। ये सब बेहद जिंदा दिल, खुशबाश, दोस्त नवाज और पुरखलूस किस्म के लोग थे। उनकी अनगिनत लड़कियां कॉलेजों और स्कूलों में पढ़ रही थीं। लड़के भी ज़्यादातर ज़ेरे तालीम थे, शहजाद, महताब, इकबाल, गुलजार, निहाल, खुशवंत और जाने कौन कौन। गुरूर इन लोगों में नाम को नहीं था। इसके बावजूद सीता शुरू शुरू में इनसे खिंची खिंची रहती। वो उस वक्त बहुत कम उम्र और हिसास थी। फरखंदाबाजी और हिमा उससे बड़ी बहनों ऐसा बर्ताव करती तो उसकी आंखों में फौरन आंसू आ जाते। ये उसके साथ कैसी मुसीबत थी कि दर्दमंदी और इखलास की एक एक ज़रा ज़रा बात उसके दिल पर लिखी जाती थी। एक मरतबा गर्मियों में जब वो नरगिस की नई फिल्म का एक सेकंड शो देखने कनाट सर्कस गए थे और बरामदे के सुतूनों के पास एक फूल वाला जूही के गजरे बेच रहा था, सीता ने उसकी तरफ पलट कर देखा ही था कि नेमत मामा ने फौरन उसके लिए गजरा ला दिया था। उसके बाद जब दोबारा सिनेमा देखने गए उसी जगह पर, तो नेमत मामा कार से उतरकर खुद ही लपके हुए जाकर गजरा खरीद लाए थे। मुझे मालूम है तुम्हें सफ़ेद फूल पसंद है। नेमत मामा अब उत्तर प्रदेश में कहीं फार्मिंग कर रहे थे, उनका ब्याह हो गया था, शहजाद भी अब बड़ा हो चुका था, बल्कि उसे तो IAS में आए हुए भी 7-8 साल होने आए थे। अब तक वो मगरबी बंगाल के अजला में तैनात था और हाल ही में तब्दील होकर मरकज़ में आ गया था। हिमा के वालिद के इंतकाल को अब 3 साल हो चुके थे। हिमा ने शादी कर ली थी और शौहर के लंदन जाने के बाद वो गार्डन हाउस में अपने वालिद के कमरे में ठहरी हुई थी। अब वो अपने बच्चे में इस कदर मसरूफ थी कि सीता की तरफ तवज्जो करने के लिए उसके पास वक्त ही नहीं था। शहजाद तुंदही से थिएटर मूवमेंट में जुटा हुआ था। हिमा की सारी चचाजात बहनें तालीम से फलागत पाकर मुलाजिम हो गई थीं। चंद एक अपने अपने घर सिधार चुकी थीं। लड़के बड़े हो गए थे। इकबाल और महताब फौजी अफसर थे और कश्मीर में तैनात थे। पिछले 9 साल में इस ख़ानदान में काफ़ी तब्दीलियां हो चुकी थीं। ये घर जो हमेशा अमित सुकून का गहवारा मालूम होता था, ज़रा बदला बदला सा लग रहा था। शायद उसकी वजह यह थी कि वो खुद यकसर बदल चुकी थी। लेकिन ये कमरे, कालीन, पुराना फर्नीचर, तस्वीर, पर्दे, फर्श के टाइल, बाग के फूल, हर चीज़ वही थी। ये घर अब भी बंदरगाह में ठहरा हुआ एक महफूज खामोश जहाज था, जिसमें कभी कभी आकर वो यहाँ के सुकून से खुद को हम आहंग करने की कोशिश करती थी।
नीचे बल खाती हुई तवील खामोश सड़क के परे जमुना जी उसी सुकून से बह रही थी। क्या वाकई इतना सुकून मुमकिन हो सकता है? कमरों का चक्कर लगाकर वो फिर हिमा के पुराने कमरे में वापस आ गई। अरे सीता, कहाँ घूमती फिरे बावली सी, बाहर आ जा, अंदर बड़ी सीलन है। चबूतरे पर से हिमा की अम्मा की आवाज़ आई, जो खड़ाव पहने खट खट करती अपने देवी देवताओं वाले कमरे की तरफ जा रही थी। वो उनके पीछे पीछे उस कमरे में आ गई और ज़रा सहम कर दरवाजे के पास खड़ी हो गई। अरे इनको प्रणाम तो कर ले, तेरा क्या बिगड़ जाएगा, भगवान तो हर शय में। अरे बावली डरे क्यों, मेरी भी दो भतीजियों ने मुसलमानों से ब्याह किया, आजकल यही हवा चली है, अब उनको घर से निकाल थोड़ा ही दिया। बाप ने इतना बड़ा एट होम दिया है, क्या नाम है उसका, मुझे निगोड़े का नाम ही याद नहीं रहता। मेरी अपनी हिमा ने गैर कफ में शादी कर ली, इतनी दूर मराठवाड़े चली गई, फिर अब क्या हो, जमाना ही ऐसा है। अम्मा ने अलमारी खोलकर मुन्ने से दीप महल में चराग जलाते हुए कहा। वो अलमारी के सामने आकर खड़ी हो गई, जहाँ घरौंदे की तरह देवी देवता सजे थे, पीछे महंतों और साधुओं और जोगियों के फोटोग्राफ रखे थे और उन पर गेंदे के हार पड़े हुए थे। हिमा की अम्मा से सीता की मुलाकात को ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा था, इस वजह से वो उनसे ज़रा खायफ रहती थी। जब 1948 में वो दिल्ली में थी, तब ये अपने भाई के पास लखनऊ गई हुई थी। 3 साल कबल जब वो अमेरिका से चंद महीने के लिए दिल्ली आई थी, तभी इनसे पहली दफ़ा मुठभेड़ हुई थी। ये हज़्म मामूल घास पर मुंडा बिछाए गीता पढ़ रही थी। हिमा ने आगे बढ़कर कहा था, अम्मा ये सीता है। आदाबर्ज, सीता ने हज़्म आदत है एक हाथ से सलाम करते हुए कहा था। उन्होंने ऐनक पेशानी पर चढ़ाकर अपनी बड़ी बड़ी शरबती आंखें झपकते हुए उसे गौर से देखा था और ज़रा मुस्कुराकर कहा था, नाम तो तुम्हारा सीता है और जयराम जी के बजाय आदाबर्ज कहती हो। और बाहर आकर कार में बैठते हुए उसने गुस्से से कहा था, हिमा तुम्हारी अम्मा भी खूब हैं, जयराम जी क्यों कहूं। अम्मा एक बड़ी शदीद मकनातीसी आंखों वाली जवान संन्यासन की तस्वीर पर से हार बदलने में मसरूफ हो गई। गले में तुलसी माला पहने, बाल बिखराए और बगैर ब्लाउज की साड़ी लपेटे ये संन्यासन एक मृगशाला में बैठी कैमरे को बड़े गौर से देख रही थी और सामने विचित्र दुनिया रखी थी। दूसरी तस्वीर में वही संन्यासन और भी ज़्यादा मकनातीसी आँखों वाले नौजवान संत के साथ तख्त पर बैठी थी। संत बड़ा सख्त हैंडसम था। अम्मा ये कहाँ रहते हैं, सीता ने आहिस्ता से सवाल किया। ये अपना शरीर छोड़ चुके हैं। ओ व्हाट अ पिटी, इतना खूबसूरत था बेचारा। और ये, उसने संन्यासन की तरफ इशारा किया, ये राधा जी, ये भी 2 बरस हुए अपना शरीर छोड़ चुकी। ये दोनों दुनिया की नज़रों में मियां बीवी थे। बचपन में राधा जी का इनसे ब्याह कर दिया गया था, मगर ये कभी मियां बीवी की तरह रहे नहीं।
नॉनसेंस। सीता ने दिल में कहा, अम्मा आप देवी की पोशाक बदल रही थी। अम्मा आपको साधु संतों की संगत में बड़े बड़े ताकतवर संत मिले। कुछ देर बाद सीता ने पूछा, उसने अपनी दानिस्त में स्पिरिचुअल पावर का तर्जुमा ताकतवर किया था। आखिर 10 साल से वो उर्दू पढ़ रही थी। मुझे जो संत मिले बड़ी ऊंची रूहानी ताकत के मिले। उन्होंने आंखें बंद करते हुए जवाब दिया, ओ आज देवी को हिमा की फूफी के यहाँ जाना है। अम्मा ने मूर्ति पर मुकुट सजाकर कहा, अच्छा वो बाहर आ गई। बेमानी बेमानी, जिंदगी किस कदर बेमानी थी। अब लॉन पर हिमा के 3-4 कजिन जमा हो चुके थे। हिमा गुलाबी हाउस कोट में मलबूस टहल टहल कर बच्चे को सुला रही थी। शहजाद भी नहा धोकर अंदर से निकल आया था। उसके साथ उसका एक दोस्त भी था। वो इस कदर खूबसूरत था कि सीता उसे देखती रह गई। वो बहुत कम उम्र था, हद से हद 26-27 बरस का रहा होगा, और कमबख्त की कयामत की आंखें थी, और किस कदर खूबसूरत बाल। हेलो सीता, दिस इज कैलाश, शहजाद ने कहा। हेलो मिसेस जमील, आप आज हमारी रिहर्सल देखने आ रही हैं? नौजवान ने बड़ी नौजवान ने बड़ी यगानगत और बेसाख्तगी से बात शुरू की। इन ड्रामा ग्रुप वालों की बड़ी अजीब जथबंदी है। डॉक्टर मीर चंदानी, उसने आहिस्ता से कहा, ओ आई डू बेग योर पार्डन। फिर उसने शहजाद से चुपके से पूछा, यार मैंने ईंट तो नहीं गिरा दी? अरे नहीं यार, सब चलता है, शहजाद ने जवाब दिया। फिर उसने मुड़कर सीता से पूछा, तुम अभी चलती हो या बाद में आकर पिकअप कीजिए, तुम अभी चलती हो या बाद में आकर पिकअप कर लूँ? वो बेख्तियार होकर कैलाश की आंखों को देखे जा रही थी। उसको इस तरह अपनी तरफ देखते पाकर कैलाश घबरा गया और ज़्यादा तुंदही से प्रमीला के साथ बात करने लगा। सीता, शहजाद ने दोबारा कहा, ओह वो चौंकी, मैं हिमा के साथ आ जाऊंगी, तुम लोग जाओ। हिमा बच्चे की फिक्र में खोई हुई थी, उसका बुखार कम नहीं हुआ था और किसी तरह सोता नहीं था। उसने सीता की बात नहीं सुनी। हिमा, सीता ने कहा, फजूल फजूल, हर चीज फजूल। ओह सॉरी। हाँ सीता, नहीं मैं कैसे जा सकती हूँ, आनंद की ये हालत है। अच्छा तुम छः बजे कॉफ़ी हाउस आ जाना, कैलाश तुमको वहीं से पिकअप कर लेगा, शहजाद ने कहा। और दोनों लड़के घास पर से गुजरते कार की तरफ चले गए। सामने पीली कोठी के चबूतरे पर सारी लड़कियां निटिंग में मसरूफ थीं और चिलगोजे खा रही थीं और बड़ी आरामदेह नॉर्मल बातें कर रही थीं। हिमा आया को बुलवाकर दूध की बोतलें साफ करवाने में मसरूफ हो गई। हिमा मैं जरा अपने घर हुआ हूँ, सीता ने मोंडे पर से उठते हुए कहा। घर? हाँ करौल बाग में, वहीं से उन लोगों के यहाँ चली जाऊँगी। गुड नाइट सीता। वो अपना बैग उठाकर सुर्ख बजरी वाली सड़क पर आई और बस स्टॉप की तरफ
रवाना हो गई। तो ये थी सीता हरण की दूसरी किस्त। कल फिर आऊंगा और आपको इसकी तीसरी किस्त सुनाऊंगा। तब तक के लिए इजाजत, आदाब।